चलिए अभी फिनॉल के बाद हमको जो दूसरे डेरिवेटिव्स देखने हैं उनको थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में देखना है, क्योंकि इनकी मैक्सिमम दूसरे रिएक्शंस अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और कुछ रिएक्शंस इनकी इनके एलिफेटिक डेरिवेटिव्स के साथ आने वाली हैं, है ना। तो इसमें कौन सा दैट इज बेंजल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड जो होता है इसको क्या बोला जाता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑयल ऑफ बिटर आलमंड्स, ठीक है ना। बेंजल्डिहाइड जो होता है ये क्या भी कहलाता है, तो हम बोलेंगे ऑयल ऑफ बिटर आलमंड्स भी कहलाता है, ठीक है। फिर कौन सी चीज है, एक और जो एरोमेटिक डेरिवेटिव है कौन सा है, दैट इज बेंजीन पर COCH3, ये क्या कहलाता है, एसिटोफिनोन कहलाता है, ठीक है। एसिटोफिनोन यदि हमको बनाना है तो एक तरीका तो क्या हो जाएगा, टिल फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन, और दूसरी रिएक्शन कौन सी होती है, बेंजीन पर RCN फॉलोड बाय व्हाट दैट ZnCl2 या AlCl3 या कोई और लेविस एसिड और साथ में एनहाइड्रस HCl, है ना। तो ये हॉबेनहॉश रिएक्शन होती है जो क्वेश्चंस में हमने देखी थी, है ना। तो ये होता है एसिटोफिनोन को बनाने का तरीका। बेंजल्डिहाइड को बनाने के कौन कौन से तरीके अपन पढ़ चुके हैं, दैट इज गटरमन कोच अल्डिहाइड सिंथेसिस, है ना, देन इट इज गटरमन अल्डिहाइड सिंथेसिस, ठीक है ना। गटरमन कोच में क्या होता है, बेंजीन पर COHCl एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। फिर उसके बाद गटरमन अल्डिहाइड सिंथेसिस पर बेंजीन पर HCN HCl एंड एनहाइड्रस AlCl3 क्या बन जाता है, CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। उसके बाद फिर इसका हाइड्रोलिसिस, तो क्या बन जाएगा उसमें, इट इज बेंजल्डिहाइड, ठीक है। इसके बाद फिर अगली चीज जो होती है ना वो कौन सी रहेगी, एटार्ड ऑक्सीडेशन, जो टॉलिन के ऊपर अपन ने Cr2Cl2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस से देखा था, है ना। और एक और रिएक्शन जो होती है वो कौन सी रहेगी, तो हम बोलेंगे टॉलिन पर रिएक्शन किसका, दैट इज Cr3 pyridine एसिटिक एनहाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अब इसके बाद ये NCRT बेस्ड रिएक्शन है, टॉलिन के ऊपर क्लोरीन एंड HNu, तो क्या हो जाएगा इसमें CHCl2 बन जाता है, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या होगा, तो हम बोलेंगे इसका अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हम करेंगे, तो कौन सी चीज है, तो हम बोलेंगे दोनों Cl हटकर क्या लग जाते हैं, दो OH लग जाते हैं, ठीक है। तो एक कार्बन पर दो OH रहेंगे तो लॉस ऑफ वाटर होकर क्या बन जाता है, दैट इज बेंजल्डिहाइड बन जाता है। आगे समझ में, है ना। तो ये एक तरीका है इसको बनाने का। फिर एक और जो तरीका है वो कौन सा रहेगा, तो हम बोलेंगे इट इज बेंजाइल क्लोराइड जो होता है ना, उस बेंजाइल क्लोराइड पर रिएक्शन किसका, लेड नाइट्रेट या कॉपर नाइट्रेट का, है ना। इट इज बेंजाइल क्लोराइड पर लेड नाइट्रेट या कॉपर नाइट्रेट डालेंगे, तो पहले कौन सी चीज है, नाइट्रेट आयन Cl पर क्या कर देता है, दैट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ क्या बन गया ये, तो हम बोलेंगे बेंजाइल नाइट्रेट बन जाता है। बेंजाइल नाइट्रेट में हाइड्रोजन क्या रहेगा, एसिडिक इन नेचर, तो ये एच यहाँ से कहाँ शिफ्ट होता है, ऑक्सीजन पर, ऊपर आएगा पॉजिटिव, नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा इन फेवर ऑफ ऑक्सीजन, तो इधर नाइट्रोजन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, फिर कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, यहाँ से एच पॉजिटिव हटा था तो सी पर निगेटिव था, सी नेगेटिव वो पॉजिटिव क्या बना लेगा, दैट इज पाई बॉन्ड, तो इससे क्या बन जाता है, दैट बेंजल्डिहाइड। समझ आ गई बात, ये ना इससे बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये बेंजल्डिहाइड बनाने का लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो डेरिवेटिव है ये कौन सा रहेगा, दैट इज बेंजोइक एसिड, तो इसको बनाने का एक तरीका तो अपन पढ़ चुके हैं, कौन सा वाला, दैट इज अल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन विद KMnO4, प्रोवाइडेड अल्काइल ग्रुप में क्या रहेगा, बेंजाइलिक कार्बन पर मिनिमम एक हाइड्रोजन होता है ना। फिर इसके बाद सी ट्रिपल बॉन्ड इनके हाइड्रोलिसिस से हमेशा COOH बनता है, ये अपन पढ़ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, इट इज बेंजोनाइट्राइल लेकर उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो बेंजोइक एसिड बन जाता है ना। अभी जो तीनों डेरिवेटिव्स हैं अपन एक साथ इसलिए ले लिए क्योंकि तीनों ही जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ये क्या रहेंगे, दीज आर माइनस आर या माइनस एम शोइंग, और इस वजह से कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे इन पर फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन तो होते नहीं है, और कौन सी चीज रहेगी, तो हम बोलेंगे इन पर होने वाली सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मेटा पोजिशन पर हो जाएंगे अंडर हीटेड कंडीशंस ना, दैट इज नाइट्रेशन सल्फोनेशन एंड हेलोजिनेशन, है ना। बेंजोइक एसिड एक सॉलिड होता है ये हमको याद रखना है ना। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला जो डेरिवेटिव है कौन सा रहेगा, दैट इज एनिलीन, ठीक है। एनिलीन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम बोलेंगे नाइट्रोबेंजीन का TnHCl या IronHCl से रिडक्शन करवाएंगे, तो NO2 का रिडक्शन हो जाता है किसमें, नाइट्रोजन इनटू NH2, ठीक है। ये एनिलीन को बनाने का लेबोरेटरी मेथड भी होता है। एनिलीन जो हमको मिलती है इस तरीके से, इसका प्यूरिफिकेशन कैसे करवाया जाता है, दैट इज बाय स्टीम डिस्टिलेशन, ये याद रखना है क्वेश्चन में काम की चीज होती है ना, कि एनिलीन इज प्यूरिफाइड बाय वॉट,
स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है। इसके बाद फिर अगली चीज जो होती है कौन सी रहेगी, तो हम बोलेंगे एनिलीन पर रिएक्शन करवाएंगे, जिसका दैट इज ट्राइफ्लोरोपरासिटिक एसिड का, ठीक है ना। एनिलीन पर रिएक्शन ट्राइफ्लोरोपरासिटिक एसिड, तो ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो एनिलीन ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, दैट इज इनटू NO2, है ना। एनिलीन को ऑक्सीडेशन हो जाएगा NO2 में ना, दैट इज इन नाइट्रो बेंजीन। आगे समझ में है ना। इसके बाद फिर क्या होता है, एनिन डाइमिथाइल एनिलीन का जब हम फॉस्जीन से रिएक्शन करवाते हैं, तो जैसे हमने फिनॉल में क्या पढ़ा था, दैट इज फिनोक्सिलीन फॉर्मेशन, या फिर हमने क्लोरोबेंजीन में DDT फॉर्मेशन, वैसा ही ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है जो NMe2 की पैरा पोजिशन पर होता है। तो दो मॉलिक्यूल्स होंगे, दोनों जगह से HCl HCl निकल कर क्या बन जाता है, जो कीटोन बनता है, ये क्या कहलाता है, मिशलर्स कीटोन कहलाता है। ये कीटोन क्या कहलाएगा, दैट इज मिशलर्स कीटोन। समझ आ गई बात ये, है ना। इसके अलावा एनिलीन के जो बाकी सारे रिएक्शन जो अपनी ऑलरेडी पड़ी हुई है, हॉफमन मार्टियस रीअरेंजमेंट, फ्रेडलक्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन होता नहीं है, डायज़ोटाइजेशन पड़ा हुआ है, नाइट्रोजेशन कपलिंग पड़ा हुआ है ना, एन कपलिंग सी कपलिंग, उसकी सारी कंडीशंस है ना। उसके बाद फिर एनिलीन पर नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजेनेशन, उनको करवाने के स्पेशल तरीके ने, सारी चीज़ें अपनी ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, है ना। अब इसके बाद फिर लास्ट वाला जो एरोमेटिक डेरिवेटिव है, ये कौन सा, दैट इज नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। नाइट्रो बेंजीन जो है इसको क्या भी बोला जाता है, दैट इज ऑयल ऑफ मिरमिन भी बोला जाता है ना। इसको बनाने के लिए एक तरीका तो कौन सा हो जाएगा, बेंजीन का नाइट्रेशन, है ना, पढ़ा हुआ है डिटेल में। एक रिएक्शन ही जो अभी पढ़ी हमने, एनिलीन का ट्राइक्लोरोपरासिटिक एसिड से ऑक्सीडेशन करवाएं, तो क्या बन जाता है इससे, दैट नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा चीज हम बोलते हैं, एक और तरीका जो रहेगा इसका कौन सा रहेगा, दैट इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से रिएक्शन, है ना। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पर हम HBF4 के रिएक्शन जब करवाते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से Cl निगेटिव हटकर क्या लग जाता है, BF4 निगेटिव लग जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर सेकेंड स्टेप में हम NaNO2 एंड कॉपर डालकर हीट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इट इज बाई यूजल ARSN मैकेनिज्म ना, जो अपना पड़ा हुआ है उससे क्या बन जाता है, दिस नाइट्रो बेंजीन। समझ आ गई बात ये, है। इसके बाद फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कौन सी चीज हम बोलेंगे, तो हम बोलेंगे इट इज NO2 के रिएक्शन जब हम KOH सॉलिड से करवाते हैं, है ना। तो NO2 की सॉलिड KOH के साथ रिएक्शन करवाने पर इसकी ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर H हट कर क्या लग जाते हैं, दैट इज OH। ये रिएक्शन क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, क्योंकि NO2 की ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है ना। अब OH निगेटिव जब आएगा तो यहाँ से हटेगा कौन, H निगेटिव। H निगेटिव खुद क्या है, पावरफुल न्यूक्लियोफाइल है, तो वो वापस भी अटैक कर सकता है, ठीक है। और यदि H निगेटिव का फिर से अटैक होगा तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे कि रिएक्शन काम की नहीं रहेगी। तो हम बोलेंगे एच निगेटिव को यदि हमको वहां से हटाना है, तो हम किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डाल देंगे ना, जैसे कि एयर या KNO3 या K3Fe CN6, ठीक है। तो इनसे क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इनसे एच निगेटिव जो होगा वो हट जाएगा और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, है ना। तो बेंजीन पर से एच को हटा के यदि हमको न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन करवाने हैं, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो होते हैं, दे कैन बी सपोर्टिव। आगे बात समझ में, फिर नाइट्रो ग्रुप जो होता है मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग है, तो फ्रेडलक्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन होंगे नहीं, और दूसरी यूजुअल इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस जो होती हैं ना, जैसे कि कौन कौन सी, तो हम बोलेंगे इट इज नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजनेशन, हीटेड कंडीशंस में होंगी, कहाँ पर, दैट इज एट मेटा पोजिशन। आइए बात समझ में यहाँ तक, है ना। इसके बाद फिर इसके रिडक्शन है, तो वो हैं बहुत सारे, अभी अपन जो देख रहे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे। एक तो नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन, कॉन्सर्ट NHCl आयरन HCl, या फिर कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन, इससे क्या बन जाता है, एनिलीन बन जाती है ना। और एक और इंपॉर्टेंट इज एनिन रिडक्शन, कि एक ही बेंजीन पर दो NO2 यदि एक दूसरे की मेटा पोजीशन पर होते हैं, ठीक है, और इसका रिडक्शन यदि हम अमोनियम सल्फाइड या सोडियम सल्फाइड से करवाएंगे, तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे दोनों में से एक NO2 जो होता है वो NH2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए, इसको याद ही रखना है हमको, बट इम्पॉर्टेंट है नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस वी कॉल ज़ेनिन रिडक्शन। आया समझ में, है ना। अब इसके आगे के रिडक्शन जो होता है नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे, ठीक है।